अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन आज असा इतना मौजूद है मौजा रिंदा लेते हैं और इन टाइम सारे नाल बिल्कुल ए बोर थीना पे और नहर दा एक मेन इशू है और इन टाइम असा मौजूद है वस्ती शबीराबाद अल मारूफ वस्ती पाड़े वाली। इतना सारे को एक मुअज्ज़ज़ शख्सियत मौजूद हैं इन वस्ती को मकसद है जेरे इन वस्ती दे एक माशाल्लाह एक अहम शख्सियत हैं एक अजीम शख्सियत हैं गुलाम शबीर साहब होनी और इन्हें दे ना को ही ये वस्ती मशहूर है इन्हें दे ना को ही ये वस्ती जरा ना बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो हाजी शबीर साहब होनी को असा ये पूछूँ कि ये बोर जरा थी ना पे इनकी क्या वजह है और इतना बहुत ज़्यादा जरे रकबे हैं वो बर पैन पहले इतना जितना फसल होनी आई आज वो रकबे बर पैन और इतों के जरे गरीब अवाम है इतों के जरे मुकीमी हैं इतों के जरे रिहायशी हैं उन्हें दी मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं मकसद है वो बहुत ज्यादा एक मुश्किल हालात जो गुजरते पैन। तो हाजी साहब उन्हीं सा कोई मजीद इन बारे डिस्कशन के इतों का क्या मेन इशू है और नहर ना होने की वजह को इतों के क्या ज्यादा नुकसान हैं। जी हाई साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको ने पता मसला नहर दा इथा इथा पानी पीवण दा कह नहीं माल दा कह नहीं फसल कह नहीं कछ कह नहीं इथो लोग नकल मकानी करण ते तैयार थी गए तो काम में बालक न पी ले जल दा जल नहर आई नहीं जी मेहरबानी। ठीक है। चश्मा राइट बैंक कनाल ए इलाके को ई वसेब को पानी मुहैया करें दिए इतों के जेरे मुकीमी हैं वो ई चश्मा राइट बैंक कनाल के जरिए थोड़ा बहुत अपने जिंदगी दा गुजर बसर करें। एक बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त है इन टाइम सारे को ई वस्ती दे मिंबर साहबणी भी मौजूद हैं मिंबर साहबण को उन्हें दे इजहार है ख्याल पूछूं कि ई चश्मा राइट बैंक कनाल दी बंदिश और टूट फूट दी वजह को आज तीन चश्मा राइट बैंक कनाल का बंदोबस्त नहीं किया गया उनका कोई ठेका वगैरह नहीं दिता गया आज तक उनको तामीर नहीं किया गया। तो इन हवाले नाल असा मेंबर साहबणी को पूछूं कि सियासी शख्सियत उन्हें नाल कोई राबता कीते या उन्हें भी कोई अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया हुए तासुर पूछते हैं अपना मेंबर साहबणी को। जी मेंबर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अदगाल ए नहर बंडो साल थी गए है कहना जी साडे एमपीए एमएनएस जितने भी हैं सियासी साडे तक कोई नहीं आया ना उन्हें कोई रोड पे एहतजाज करवाए ना कोई मसला ना कोई कशे साडे माल भी देखो चा जिडो किडो भर भरिया ने कोई शे कह नहीं ना पानी पीवण दा है ना बाले दा है ना माल दा है। जी असा ये बारिश थी ये टोटी भेजो किडो पानी भर गिंदे हैं या हुन देख बोर करे पे वस्ती वाले जमा थी कने कोशिश ए है जो माल शाल वेच कने जो साडा पानी पीवण दा दी थी वने माल दा भी थी वने। जी बाकी साडे फसल हन कह ना जी हुकमरान साडे बिल्कुल चुप हैं नहर साल थी के त्रुटी पिए कोई ठेका कशे का नहीं इतना पिया जी साकुत इवे दसाया गया जी में पई है उए पई है। अच्छा ते पत्ता ही कह नहीं जो आंधी है या नहीं ठीक है। तो मेंबर साहब मैं कुछ ये दसो कि जरी तुसा गंदम दी काश कीती है गंदम दी तुसा बाहर चाहती है उन बारे थाकू हुकूमत कितना ज्यादा परेशान कीते या कोई इतना जरा सुनते हैं कि एसी वगैरह है या फूड इंस्पेक्टर हैं वो जरा ना मौके ते पहुंच के थाकू गंदम दे बार दे वेले बहुत ज्यादा परेशान कीते ना इन बारे थारे क्या तासुर हैं। अदा गाल ए पहले तो सारे फसल ए जा हैं जी सारे जरे हैं जरे अपने बाल ने खावण जो गए जी साकू आके ने वो भी बेच छोड़ो जी 10 मण दा टारगेट इतने 10 मण घर रखो ते बाकी जरे ने फूड वाले चावे ठीक 10 मण नाल क्या थी सी 10 मण दे जने हुन 10 10 बाल हैं 8 8 बाल हैं या जने दूध निकाल हैं दूध भिरा हैं छोदे कठे रंदे पण वो क्या कर सकदे बिल्कुल हुकूमत दी पोजीशन ते उडो नहर कह नहीं कणका कह नहीं उडो जरे कछे मुल की दी कणे ओ याद न सजरे न चने ठीक है। मेंबर साहब एक चीज और असा तुम्हारे को पूछण चाहसु के ए जरा एसी साहबान हैं या फूड इंस्पेक्टर साहबान हैं हूँ अगर ये गंदम दे वेरे थोड़े मकसद है तो आपको परेशान करें दे पैन लेकिन जल्द तुसा बीज वगैरह गंदम का गिदा या डी खाद वगैरह गिदी आई स्प्रे वगैरह गिदी आई क्या उन टाइम भी सारी जरी एडमिनिस्ट्रेशन है जैसे सारे एसी साहबान हैं या फूड इंस्पेक्टर टीम है उन वेले उन्हें तो आपको साथ दिता कोई तो आपको खाद वगैरह कोई सब्सिडरी तक गिना दी उन्हें या तुम्हारे तुम्हारे नाल इमदाद की उन्हें इन मामले थे। जी अदा पहली गाल है एसी साहब एक दो दफा साढ़े रेतड़े अड्डे दे उते आए न जी दुकाना शुकाना बंद कीते ने जी बाकी उन्हें के ए खाद तो आपको 9000 रुपए मिल सी असा ई टाइम भी ऊ टाइम भी 13000 रुपए खाद की दी है कोई दुकाना बंद नहीं थी कोई कशे नहीं थी भावे ऊ जेरा काम की दे सारे नाल कोई सहूलत कारी करी दे कोई सब्सिडी साको कहीं कह रही दी रुपए दी ठीक है। एसीआई भावे जेरे कमिश्नर आई जेरे
ساکو کہیں کہیں سبسڈی دیتی جڑا ساکو ہن لا کیتے نہ تا اون لے اگر یا ساکو سبسڈی بیج تے دے کھاد تے دے 13000 تے اسا کھاد کی دی 12000 تے اسا بیجے کی دین اوتھو بچی کشے نہیں کشے بچی ہے تو 10 من کے زیادہ اوتے رکھن نہیں سدے ٹھیک ہے ممبر صاحب سارے میڈیا پلیٹ فارم دے ذریعے تساں سارے جڑے ایتھوں دے لوکل سیاسی نمائندگان ہیں جڑے اثر انداز شخصیتاں کیا اپیل کرے سو تساں اسا انہاں کا اپیل یو کرے سو مہربانی کر کے ساری نہر دا کم کیتا ونجے جی سب تو اہم ساڈے واسطے نہر ہے جی ساڈا مسئلہ ہے ساری کوئی فصل کہ نہیں جی جتنے ساڈے رقبے ان اتنے برلا تھن تھے ساری مہربانی ہے سارے حکمران نے کلو وزیر اعظم کلو ساری مہربانی ہے اسا دے اون دے کلو التجا ہے ساری مہربانی کر کے سا کو نہر دتی ونجے جی بہت شکریہ ناظرین